और आज तेरे से फिजिक्स भी पूछूंगा, तेरे से पूछूंगा भी सही क्या होने वाला है, ठीक है। इन दोनों बॉल्स को अगर छोड़ूंगा तो कौन सी बॉल पहले नीचे जाएगी? सर हर स्टूडेंट को तो यही लगता है कि ये वाला आसान रास्ता है, यहीं से बॉल पहले जाएगी। चलो देख लेते हैं कौन सी पहले जाएगी। ये 1 2 3। अरे सनी। यस सर। बहुत एक्सपेरिमेंट करता है तो। हाँ, आ जाए आज मैंने कर लिया ना, 2 एक्सपेरिमेंट तैयार कर रही है। हाँ सर मतलब एक्सपेरिमेंट के साथ जीवन का ज्ञान भी सीखने के लिए मिलेगा। हाँ बिल्कुल मिलेगा, 100% मिलेगा। और है ना एक्सपेरिमेंट चालू करते हैं बिना टाइम खराब करे। और आज तेरे से फिजिक्स भी पूछूंगा, तेरे से पूछूंगा भी सही क्या होने वाला है, ठीक है। आप चालू करते हैं। बहुत दिनों से ढूंढ रहा था एक्सपेरिमेंट करने के लिए, इसीलिए मैंने इसको समय दिया था कि पकड़ लेंगे, तो इसे अपने एक्सपेरिमेंट भी पकड़ लिया है। बढ़िया बात है, एक्सपेरिमेंट के आइडिया सारे तेरे से ही आए, ठीक है। अब बता मुझे, इन दोनों बॉल्स को अगर छोड़ूंगा तो कौन सी बॉल पहले नीचे जाएगी? सर हर स्टूडेंट को तो यही लगता है कि ये वाला आसान रास्ता है, यहीं से बॉल पहले जाएगी। चलो देख लेते हैं कौन सी पहले जाएगी। ये 1 2 3 स्टार्ट। अरे कौन सी पहले गई? ये वाली टेढ़ी मेढ़ी रास्ते वाली पहले गई। टेढ़ी मेढ़ी रास्ते वाली पहले गई, ऐसा क्यों हुआ बता सकता है? सर मैं तो आपसे सुनना चाहता हूँ आज। चलो बहुत बढ़िया, हम एक एग्जांपल भी कराते हैं बच्चों के लिए, और ये एक एग्जाम में भी आया हुआ है कि अगर एक बॉल को यहाँ से छोड़ा जाए, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, एक और बॉल को यहाँ से छोड़ा जाए, दोनों का पाथ बिल्कुल सेम है ऐसे, तो सवाल ये होता है कि अगर इन दोनों बॉल्स को छोड़ा जाए, सब कुछ फ्रिक्शनलेस है, तो बताओ यहाँ पे अगर ये बॉल पहुँचेगी तो टाइम लगेगा T1, यहाँ पे पहुँचेगी तो टाइम लगेगा T2। जब भी बच्चे से पूछते हैं कि कौन सा टाइम लगेगा ज़्यादा या कम, तो बच्चा बोलता है इसमें तो ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा, नीचे जाएंगे ऊपर जाएंगे, तो बच्चा आंसर देता है कि T2 समय होगा ज़्यादा पर और T1 होगा कम। जबकि उल्टा होता है, तुमने बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे देखा है। हाँ बिल्कुल सही बात है। तो T2 टाइम असलियत में होता है T1 से कम। इसका एक्सपेरिमेंट ये था, जो सवाल असलियत में एग्जाम में आता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब अपन यहाँ से नीचे जाते हैं तो क्या घट जाती है? पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी अगर कांस्टेंट रहेगी तो क्या बढ़ जाएगी? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। यानी कि ये दूरी अगर अपन माने तो ये दूरी इसने इस वाली जगह से ज़्यादा स्पीड से ट्रैवल करी, तो यहाँ का इसका टाइम और यहाँ का इसके टाइम में ये वाला टाइम कैसा हो गया? कम हो गया। तो टोटल T2 भी क्या हो गया? कम। क्योंकि स्पीड बढ़ गई तो टाइम तो वैसे कम लगेगा सर, कम हो गया, इसलिए असलियत में ऐसा होता है। वेरी नाइस। अब जो बच्चों को हम हमेशा कहते हैं कि जीवन में जब ईश्वर ऐसा लगे कि हम जीवन में नीचे जा रहे हैं तो डरना नहीं है। हम भी बहुत डरते हैं, शायद हम फिजिक्स से ज्ञान दे रहे हैं बट हम भी बहुत डरते हैं। सही बताया, अपने सबके जीवन में बहुत ऊपर उतार चढ़ाव आते हैं, तो जब नीचे जाते हैं तो हमें लगता है कि हमने सब कुछ खो दिया। पर सही बताऊँ, उस समय भगवान हमें सबसे ज़्यादा रफ्तार देता है सीखने की। वाह सर। उस समय जब हमें लगता है हम जीवन के सबसे निचले पड़ाव पर हैं, तब हमें सीखने की इस रफ्तार भगवान सबसे ज़्यादा देता है। इसीलिए हम कहते हैं जिस टेस्ट पेपर में सबसे कम नंबर आए वो आपको सबसे ज़्यादा सिखाता है, और ज़्यादा सिखाएगा तो आपकी रफ्तार बढ़ाएगा। क्योंकि वो कम नंबर थोड़ा सा परेशान तो करेंगे लेकिन मेहनत करने के लिए, पढ़ने के लिए आपको जज्बा देंगे, आपको बताएंगे आप कहाँ गलतियाँ करते हो, तो आपकी रफ्तार बढ़ जाएगी और मंजिल को आप जल्दी तय कर पाओगे। भले थोड़ा जीवन का रास्ता उबड़ खाबड़ होगा, यही फायदा है सर आपके साथ एक्सपेरिमेंट बनाने का। एक और एक्सपेरिमेंट हो जाएगा, ज्ञानवर्धक बातें मिलती हैं। देखो पढ़ते तो सभी हैं लेकिन ये जो ज्ञानवर्धक बातें हैं ना, स्टूडेंट को एकदम हिट करती हैं कि हाँ यार कुछ अच्छी बात हो गई। क्या बात, अब ये बॉल और लड्डू वाला भी है क्या कुछ? ये भैया ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। अच्छा है ना, ये वाला एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये लड्डू जो है, बता लड्डू खाएगा कि नमकीन कि दोनों? मैं तो दोनों ही खाऊंगा। दोनों खाएगा, पहले खाएगा लड्डू कि नमकीन? मैं तो सर पहले नमकीन ही खाऊंगा। अच्छा नमकीन खाएगा, चलो ठीक है, वो बाद में खिलाएंगे। अब मैं कह रहा हूँ इसको बंद करके बता, ढक्कन को बंद करना है क्या? कैसे पॉसिबल है ढक्कन बंद करना? लड्डू ना फूट जाए हमारा, ये बॉल रूपी लड्डू फूट ना जाए, नहीं होगा सर। नहीं होगा पक्का? पक्का नहीं। और कर दिया तो सर हो ही नहीं सकता। और कर दिया तो कैसे? देख लो, सोच या लो, तो ये फूटेगा या ये बॉल फूटेगी। पक्की बात सोच लो। सोच लिया, चलो ठीक है ट्राई कर लेते हैं।
ये गया लड्डू नीचे और ये गई आ गई अपनी नमकीन, ये 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 नमकीन पूरा भरा हुआ था पहले। अरे सर वाह, अब बंद कर, एक भी कण नीचे नहीं गिरा फिर भी ये बंद हो गया। बंद हो गया मतलब थोड़ा अलग सोचना है, असलियत में खाली जगह का डिफरेंस था। अगर फिजिक्स के भाषा में देखो तो खाली जगह का डिफरेंस था, जो हमारा लड्डू बिना तोड़े हमें रखना था उसकी वजह से खाली जगह ज्यादा बन रही थी। जब लड्डू को नीचे रख दिया तो खाली जगह पूरी भर गई। जीवन में भी याद रखना है, जो मेरा व्यक्तिगत मत है, एग्जाम्पल तो इसलिए लिया गया है ताकि आप कुछ बात अच्छे सिखा पाएं। सही बताएं तो यूट्यूब का जमाना है, आपको कुछ नया करके ही बच्चे को बताना होता है। हाँ। पर ये जीवन की सच्चाई बताता है कि असलियत में क्यों ये बात बताई मैंने। अगर आपने चैप्टर की सीक्वेंस गलत कर दी सब्जेक्ट की पढ़ने की, कि जिस चैप्टर के ऑर्डर में पढ़ना चाहिए, सीक्वेंस थी, व्हाट वी हैव चेंज्ड सीक्वेंस, पहले लड्डू रखा फिर नमकीन गई तो डब्बा बंद हो गया। हाँ, लेकिन मैं उल्टा कर रहा था तो डब्बा बंद नहीं हो रहा था, रखी थी लड्डू था। तो अगर आप चाहते हो आपका चैप्टर क्लोज हो जाए, क्लोज हो जाए मतलब सब कुछ हो जाए उसमें थ्योरी सवाल सब, तो उसकी सीक्वेंस सही होनी चाहिए। सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, पहले सवाल करो फिर थ्योरी पढ़ो तो थोड़ी चैप्टर होगा, पहले थ्योरी पढ़नी पड़ेगी फिर सवाल करना पड़ेगा। ऐसे ही सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर पहले पढ़ना है, कौन सा बाद में पढ़ना है, कौन से चैप्टर में कौन से टॉपिक के भी पहले कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, वो सीक्वेंस आपको पता होनी चाहिए चाहिए तभी आप ढंग से सवाल कर पाओगे, वरना खाली जगह रह जाएगी और आपका चैप्टर क्लोज नहीं होगा, जिससे हमारे डब्बा रूपी दिमाग में अपने कुछ कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से तैयार हो जाए, जैसे सवाल कर पाए। बिल्कुल, तो इससे सीखने वाली बात क्या है, सीक्वेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और यही टीचर्स का रोल है। नहीं तो आपको हो सकता है कॉन्सेप्ट तो कई जगह मिल जाए, पर कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किसके बाद पढ़ना है, इसमें टीचर्स का बहुत रोल है। जो टीचर्स मुझे सुन रहे हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि कई बार हमारे पास ज्ञान बहुत होता है पर अगर हम उसे सही सीक्वेंस में नहीं देंगे तो बच्चे को समझ नहीं आएगा। बच्चे को भी बात ध्यान में रखनी है कि हर सीक्वेंस अपनी सेट होनी चाहिए चाहिए। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मोटिवेशन प्लस एक्सपेरिमेंट के साथ मोटिवेशन सर। ये भी नया प्रयास कर रहे हैं। हाँ। कि ऐसा करते हैं और मुझे लगता है हम जो अपना नया कोर्स ला रहे हैं ना डबल शॉट का, नीट के पर्पज से ला रहे हैं और उसमें हम बढ़िया तरीके से सब कराएंगे, ऐसी सीक्वेंस में रखेंगे जिससे बच्चा थ्योरी भी अच्छे से कंप्लीट कर ले, रिविजन भी अच्छे से कर ले। और है तो वो बहुत ही मतलब सर मेरे हिसाब से जो डिज़ाइन किया हमने कोर्स जो 20 तारीख से आ रहा है अपना, वो बहुत ही अच्छा कोर्स है। आपको 100% में आपको पढ़ाया जाएगा ताकि आप अच्छे से सीख पाओ, सही सीक्वेंस को समझ पाओ और नीट 2024 को क्लियर कर पाओ। हमने भी इसी वजह से टीचर से रिक्वेस्ट की थी कि सीक्वेंस मैटर और आपने वो एक्सप्लेन कर दिया वो भी एक्सपेरिमेंट के साथ। चलिए, थैंक यू सर।